वेलकम बैक एवरीवन, ये है रीडिंग नंबर 2 एथिक्स सीएफए लेवल 1 से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट कोड ऑफ एथिक्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट द बेसिक्स, क्योंकि इसके बाद में जो स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट है सर, उसमें एक पूरी रीडिंग है, डेडिकेटेड रीडिंग नंबर 3। बट एज ऑफ नाउ हम लोग पढ़ रहे हैं रीडिंग नंबर 2, जिसमें हम इन सब चीज़ों के बारे में बेसिक्स पता करने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए बेसिक शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले लर्निंग आउटकम ए से शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्टली अबाउट द मेजर अथॉरिटीज विच आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द एथिकल कंडक्ट बाय द मेंबर्स एंड द कैंडिडेट्स। ये वो मेजर अथॉरिटीज है सीएफए इंस्टीट्यूट और उसके रिलेटेड जो सारा काम देखेगी कि मेंबर्स और कैंडिडेट्स एथिक्स का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले है सीएफए इंस्टीट्यूट की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। सर, ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, ये लोग प्रोफेशनल कंडक्ट प्रोग्राम की देखरेख करते हैं। अब प्रोफेशनल कंडक्ट प्रोग्राम क्या है? प्रोफेशनल कंडक्ट प्रोग्राम वो ओवरऑल प्रोग्राम है जो प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ द मेंबर्स एंड कैंडिडेट्स को ओवरसी करता है। ऐसे पूरे प्रोग्राम को अगर कोई मेंटेन करता है, इसके ऊपर में ओवरसाइट और रिस्पॉन्सिबल है इसको इंप्लीमेंट करने में, तो वो है सीएफए इंस्टीट्यूट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। इसके अलावा देयर इज अ डिसिप्लिनरी रिव्यू कमेटी। ये डिसिप्लिनरी रिव्यू कमेटी ख्याल रखती है कि जितने भी मेंबर्स एंड कैंडिडेट्स हैं वो कोड एंड स्टैंडर्ड्स का पालन करते रहें, तो वो काम किसका है? रिव्यू कमेटी का। इसके अलावा प्रोफेशनल कंडक्ट स्टाफ होते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो सर, 3 मेजर अथॉरिटीज हुई, नंबर 1 द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, नंबर 2 द रिव्यू कमेटी, एंड नंबर 3 इज द कंडक्ट स्टाफ। क्लियर? ओके, अदर इन्फॉर्मेशन। नंबर 1, सोर्सेज ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट इंक्वायरी। ये जरूर ख्याल आता होगा कि यार इंस्टीट्यूट को पता कैसे चलता है कि हमने कोई अनएथिकल या फिर कुछ भी ऐसा काम किया है जो कि प्रोफेशनली गलत है, ऐसे इंस्टीट्यूट को खबर कैसे लगेगी? तो सर, सोर्सेज के बारे में पढ़ लेते हैं। सोर्सेज तो सर, नंबर 1, आपको अभी तो पता नहीं है पर इंस्टीट्यूट यूजुअली जितने भी मेंबर्स बन जाते हैं, मेंबर्स को एनुअली एक पीसीपी फाइल करने के लिए बोलता है। पीसीपी क्या है सर? प्रोफेशनल कंडक्ट स्टेटमेंट, सॉरी पीसीएस, प्रोफेशनल कंडक्ट स्टेटमेंट। ये पीसीएस हर मेंबर को फाइल करना पड़ता है विद इंस्टीट्यूट, जिसमें जैसे आपने मेंबरशिप सॉरी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे टिक किया था ना, नहीं मैं कभी भी आज तक जेल नहीं गया या फिर मैं कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हूँ वगैरह वगैरह, आपने यस नो टिक किया, ऐसे ही एक प्रोफेशनल कंडक्ट स्टेटमेंट होता है जिसको मेंबर्स को फिल करना पड़ता है हर साल मेंबरशिप देने के वक्त। और उसमें वो लोग बताते हैं कि उन्होंने प्रोफेशनली अगर कुछ भी गलती की है या कोई भी अनएथिकल एक्टिविटी की है, ब्रीच किया है कोड या स्टैंडर्ड्स का, तो उनको सेल्फ डिस्क्लोजर देना पड़ता है। दिस कुड बी द वन ऑफ दोज सोर्सेज जिसे प्रोफेशनली लेवल, प्रोफेशनल एथिकल लेवल पे इंक्वायरी आ सकती है। सो नंबर 1, ये सोर्सेज हैं। नंबर 2 है रिटन कंप्लेंट, आपके खिलाफ किसी ने कंप्लेंट कर दी, ये भी एक प्रोबेबल सोर्स हो सकता है। नंबर 3, मीडिया के थ्रू या किसी रेगुलेटरी नोटिसेस के थ्रू या फिर मैं किसी और अन्य पब्लिक सोर्सेस के थ्रू आपका नाम कहीं पे आ गया, आप कहीं कोई इलीगल अनएथिकल एक्टिविटी में फंसे हुए थे और वो चीज का सीएफए इंस्टीट्यूट को मीडिया के थ्रू आइडिया लग गया, तो भी एक सोर्स हो सकता है। नंबर 4, किसी प्रॉक्टर ने आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दी, वायलेशन रिपोर्ट कर दिया, ये कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। जो कैंडिडेट्स हैं, अगर उन्होंने एग्जाम के दौरान कोई भी चीटिंग वगैरह कुछ भी की, जो कि केसेस बहुत सुनने को मिलते हैं कि चीटिंग हुई, पेपर कैंसिल स्ट्रेट अवे, तो वो प्रॉक्टर अगर आपके अगेंस्ट कुछ भी वायलेशन रिपोर्ट कर दे तो भी वो एक इंक्वायरी हो सकती है। एंड नंबर 4 इज ऑब्वियसली एनालिसिस ऑफ एग्जाम मटीरियल्स। अगर आपके एग्जाम मटीरियल को देख करके ऐसा लगा कि उसमें आपने कुछ घपलाबाजी की है तो एक प्रोबेबल सोर्स बन सकता है। नंबर 2, अगर आपने सोशल मीडिया में सीएफए इंस्टीट्यूट के खिलाफ या फिर एग्जाम का पेपर लीक आउट किया या कुछ भी किया सोशल मीडिया में, तो सीएफए इंस्टीट्यूट उसको भी देखेगा और वहां से भी इंक्वायरी आने के चांसेस हैं। क्लियर? नंबर 2nd ऑन आवर लिस्ट इज द ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। इन्वेस्टिगेशन होती कैसे है सर? सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे पहले ऑब्वियसली एक कंप्लेन आई है आपके अगेंस्ट। जब कंप्लेन आती है तो सीएफए इंस्टीट्यूट आपको बाकायदा एक चिट्ठी देगा और वो आपसे रिटन एक्सप्लेनेशन मांगेगा कि बताइए आप इसके अगेंस्ट कुछ बोलना चाहेंगे। आपके एक्सप्लेनेशन को पढ़ने के बाद में वो हो सकता है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाए। इंटरव्यू के लिए मेंबर कैंडिडेट किसी को भी बुलाया जा सकता है, जो कंप्लेन किया उसको भी बुलाया जा सकता है या फिर किसी थर्ड पार्टी जो इन्वॉल्व है उस केस में उसको भी बुलाया जा सकता है। उसके बाद में बाकी सब एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करने के बाद में इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होंगी तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1, आपके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ना हो, मतलब बा इज्जत बरी।
करेक्ट, नो डिसिप्लिनरी एक्शन हैज बीन टेकन। नंबर टू क्या हो सकता है आपके अगेंस्ट, आपको एक कॉशनरी लेटर दे दिया जाए कि भैया इस बार हो गया, कोई बात नहीं, अगली बार मत करना, नहीं तो परेशानी में फंस जाओगे। नंबर थ्री हो सकता है आपको डिसिप्लिन ही कर दिया जाए, डिसिप्लिन करना मतलब पनिश करना, आपको पनिश कर दिया जाए। अगर आपको उनकी पनिशमेंट, क्योंकि ये सारा काम कौन कर रहा है, प्रोफेशनल कंडक्ट स्टाफ, हमने पढ़ा था वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और उसके अलावा जो है वो है डिसिप्लिनरी कमिटी जो आपको हेल्प करेगा। तो ये जो डिसिप्लिनरी रिव्यू कमेटी है ये कैसे हेल्प करेगा, अगर प्रोफेशनल कंडक्ट स्टाफ ने इन्वेस्टिगेशन किया और आपके अगेंस्ट कोई फरमान सुना दिया जो कि आप चैलेंज करना चाहते हो, तो आप किसके पास जाओगे, आप जाओगे डीआरसी के पास में, डिसिप्लिनरी रिव्यू कमेटी। ये डिसिप्लिनरी रिव्यू कमेटी फिर से उस केस को रीइन्वेस्टिगेट करेगी और फिर अपना फाइनल कंक्लूजन सुनाएगी। ये बात ध्यान देने की है कि डीआरसी ने जो कंक्लूड कर दिया वो फाइनल है, उसके बियॉन्ड और कोई चैलेंजेस हो नहीं सकते, इट इज बाइंडिंग इन नेचर। If a member or candidate does not accept the charges and proposed sanction, the matter is referred to the panel composed of DRC members. DRC decision shall be binding in nature. Next up is Asset Manager Code of Professional Conduct. ये एक अलग तरह का कोड है सर, ये usually firms पे लगा दिया जाता है, जो लोग asset management firms चलाते हैं उन सबको इस कोड का additionally पालन करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है that the CFA Institute also publishes the Asset Manager Code, which helps the asset managers comply with the regulations mandating the Code of Ethics for investment advisors. This is drafted specifically for firms. I hope ये भी clear है। तो पहला learning outcome अपना हो गया, अब हम लोग बात करने वाले हैं about learning outcome B and C jointly. तो लर्निंग आउटकम बी और सी में हम लोग सबसे पहले बात करें कोड ऑफ एथिक्स की। तो कोड ऑफ एथिक्स में मैंने आपको बताया था टोटल 6 ऐसे कोड ऑफ एथिक्स हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है, और ये आ गए वो 6 के 6। तो आइए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 है कि एक मेंबर और एक कैंडिडेट, अच्छा बाकायदा आपको एक चीज तो मैं नोटिस करा दूं कि ये जो कोड्स होते हैं सर और जो स्टैंडर्ड्स भी होते हैं वो सब पे लागू होते हैं, भले ही आप मेंबर हो या फिर मैं आप कैंडिडेट हो। तो पहला कोड आपको ये बोलता है कि आपको एक्ट करना है इंटीग्रिटी के साथ, कॉम्पिटेंस के साथ, ड्यू डिलीजेंस के साथ में, एंड रेस्पेक्ट के साथ में। अब आप सोचोगे कि मैंने ये 4 पॉइंट्स ऐसे गिनाए क्यों, क्योंकि इंस्टीट्यूट स्पेसिफिकली इस पे क्वेश्चन कर सकता है कि इसमें से कौन सा नहीं है रिक्वायरमेंट। इसमें समझ लीजिए 4 हैं, इसके अलावा एक ऑप्शन बना के इंस्टीट्यूट दे दे और बोल दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली मेंशन इन द कोड ऑफ एथिक्स। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा दैट मेंबर्स एंड कैंडिडेट्स आर सपोज टू एक्ट विथ इंटीग्रिटी, विथ कॉम्पिटेंस, विथ डिलीजेंस एंड विथ केयर। ये एथिकल मैनर में भी बिहेव करना है सबके साथ। अब ये जो ऑल यहां पे लिखा हुआ बोल्ड करके बड़ा सारा कैप्स ऑन करके अपर केस में, सर ये ऑल भी नहीं मेंशन था, पर अगर आप ब्रैकेट में देखेंगे तो इतने सारे लोग मेंशन हो गए हैं, पब्लिक भी मेंशन है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, सब लोग, अपने कलीग्स वलीग सब कवर्ड है। तो मैंने ऑल लिख दिया यार, सबके साथ में आपको एक्ट करना पड़ेगा इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस, डिलीजेंस, केयर के साथ में और एथिकल मैनर में। किसके साथ? सबके साथ। ये है पहला नंबर कोड, मन से याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। पॉइंट नंबर 2, प्लेस द इंटीग्रिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन एंड द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट्स अबव योर ओन इंटरेस्ट। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन का जो भी इंटरेस्ट है उसको भी ऊपर रखें, क्लाइंट्स का इंटरेस्ट है उसको भी ऊपर रखें, और खुद का इंटरेस्ट नीचे रखें। तो थर्ड प्रायोरिटी पे, इनफैक्ट इसमें एम्प्लॉयर वाली बात आई नहीं, बेसिकली ये सिंपल है, अपना पर्सनल इंटरेस्ट सबसे नीचे रखना है, ओवरऑल इंटीग्रिटी ऑफ द मार्केट सबसे ऊपर, क्लाइंट्स ऊपर, एम्प्लॉयर एंड देन यू। एम्प्लॉयर वाली बात यहां नहीं लिखी हुई है लेकिन ऐसे ही होता है। थर्ड, आपको बहुत ही रीजनेबल केयर और जजमेंट के साथ में, एक रीजनेबल जजमेंट के साथ में आपको अपनी सारी प्रोफेशनल एक्टिविटीज का कन्वे करना है। इन द सेंस आपकी क्या क्या प्रोफेशनल एक्टिविटीज होती है सर, नंबर 1 आप इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कर सकते हो, नंबर 2 आप रिकमेंडेशंस देते हो, नंबर 3 आप एक्शंस लेते हो। ये सारी चीजों के दौरान आपको केयर और जजमेंट बनाए रखनी है, दिस इज रिक्वायरमेंट नंबर 3। रिक्वायरमेंट नंबर 4 इज कि आपको तो प्रैक्टिस करना ही है, क्या प्रैक्टिस करना है सर, प्रोफेशनलिज्म एंड एथिक्स, पर बाकियों को भी आपको एनकरेज करना है कि यार हम तो कर ही रहे, आप लोग भी करो। सो यू हैव टू प्रैक्टिस एज वेल एज यू हैव टू एनकरेज अदर्स टू प्रैक्टिस एथिक्स। नंबर 5, यू हैव टू प्रमोट द इंटीग्रिटी एंड वायबिलिटी ऑफ द ओवरऑल ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स। आपको ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स की इंटीग्रिटी को बनाए रखना है, आपको उसको प्रमोट करना है, आपको कहीं पे भी उसको
प्रॉब्लम्स में नहीं फंसाना, मतलब इंटीग्रिटी के खिलाफ कुछ मत करो, ग्लोबल मार्केट्स को कोई भी नुकसान मत पहुंचाओ, दिस इज ऑल्सो अ रिक्वायरमेंट. फिफ्थ नंबर पॉइंट, मेंटेन एंड इंप्रूव योर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस. अपनी कॉम्पिटेंस को बढ़ाए जाओ, उसको मेंटेन करो, इंप्रूव भी करो, और बाकियों को भी मदद करो कि वो अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को बढ़ाए. क्लियर है सर? एक बार फिर रिपीट कर देता हूं. कोड ऑफ एथिक्स में हमने टोटल 6 चीजें पढ़ी है. पहली चीज में हमको ये बात बोला गया है कि मेंबर हो या कैंडिडेट हो, सबको पालन करना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा विद इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस, डिलिजेंस एंड रेस्पेक्ट. इसके अलावा एथिकल मैनर में सबके साथ बिहेव करना पड़ेगा. सेकेंड पॉइंट पे ये बोला कि मार्केट की, इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन की इंटीग्रिटी और अपने क्लाइंट का इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट से ऊपर रखो. थर्ड पॉइंट में बोला है कि आप एनालिसिस करो, एक्शंस लो, रिकमेंडेशंस करो, कोई भी प्रोफेशनल एक्टिविटी करो, उसमें आपको बड़े ही रीजनेबल केयर और प्रूडेंट जजमेंट के साथ में काम करना है. फोर्थ पॉइंट है, आप खुद तो प्रैक्टिस करो ये एथिक्स, एनकरेज भी करो बाकी लोगों को कि वो भी करें. पांचवा पॉइंट है, प्रमोट करो मार्केट की इंटीग्रिटी को, ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स की इंटीग्रिटी को और वायबिलिटी को आपको प्रमोट करना है. नंबर छह है, मेंटेन एंड इंप्रूव प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, खुद की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को इंप्रूव करें, बाकियों की भी करें, मदद करें उनको. क्लियर है? विद दिस कोड ऑफ एथिक्स अपना हो गया. एंड फाइनली आ गया स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, जिसमें मैंने शीट में मेंशन किया है सारे स्टैंडर्ड्स और उनके सब स्टैंडर्ड्स, जो कि रीडिंग 3 में डिटेल में सब कवर अप होंगे. तो यहाँ पे मैं किसी को भी डिस्कस नहीं करने वाला, हम लोग इंडिविजुअली जब जब स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे रीडिंग नंबर 3 में, तब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे. सो इस रीडिंग में इतना ही था. हमने इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं, और सम्स भी नहीं है इस रीडिंग में, या क्वेश्चन भी नहीं है कोई इस रीडिंग में. आपको मेजर अथॉरिटीज़ पता होनी चाहिए, 3 चीज़ें हैं सर. एक तो आपका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, दूसरा आपका DRC है, तीसरा आपके कंडक्ट स्टाफ है. इसके अलावा इंक्वायरी के लिए बहुत सारे सोर्सेज आपको पता होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस और पॉसिबल सैंक्शंस आपको पता होना चाहिए. चैलेंज कर सकते हैं, जी हाँ चैलेंज कर सकते हैं DRC को. इसके अलावा एसेट मैनेजर कोड एक अलग चीज आउट ऑफ द पॉइंट पढ़ा था, एंड उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स बस पढ़ लिया. कोड ऑफ एथिक्स में टोटल 6 चीजें थी, जिसको तो फर्मली याद रखना ही पड़ेगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स अच्छे से याद रखिएगा, जहां इनफैक्ट ये भी ध्यान रखिएगा कहां प्रैक्टिस वर्ड यूज हुआ है, कहां प्रमोट वर्ड यूज हुआ है. ऑल द थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सवाल यहां से आएंगे और अंदर अंदर से आएंगे. क्लियर? विद दैट बीइंग सेड, आई एम कंक्लूडिंग दिस वीडियो. सी यू ऑल, बाय बाय.